हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उज्ज्वल गहोई। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अविदे एकेडमी। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द रेगुलर अपडेट्स। तो लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ डिके वगैरह सारे आपके डिस्कस कर दिए थे, ठीक है, ब्रीफ में। अब उनका डिटेल डिस्कशन हम किए दे रहे हैं, ठीक है, कि सारे डिके के एग्जाम्पल क्या होंगे, कौन से डिके में एनर्जी कंसिडरेशन कैसे होगा। ठीक, तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है जो हमने बताया ना कि आपको बाइंडिंग एनर्जी, मेन जो रेडियो एक्टिविटी है ना, इसमें बाइंडिंग एनर्जी वाला पोर्शन है एक तो, और प्लस आपका हाफ लाइफ वगैरह वाला पोर्शन है। ठीक है, तो डीके एग्जांपल में सबसे पहला हमने डीके डिस्कस किया था अल्फा डीके। क्या होता है अल्फा डीके? तो अल्फा डीके में आप क्या कहोगे, 92 यूरेनियम 238, ये किसमें कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट होगा 90 थोरियम 234 प्लस 2HE4। 2HE4 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका अल्फा पार्टिकल। ठीक है, यही अल्फा पार्टिकल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि आप एक्चुअली में जो वैल्यू निकालोगे ना, तो इसकी जो इसका जो मास आएगा, ठीक है, और इनका जो मास आएगा, तो ये तो आपका मास ऑफ क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा, और ये आपका मास ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। तो नॉर्मली मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो मास ऑफ प्रोडक्ट से ज्यादा होता है, तो इसको मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट निकाल के 931 MeV से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको एनर्जी रिलीज मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ये तो आगे किसकी वैल्यू हो गई, तो ये हम अभी रिएक्शंस वगैरह सब डिस्कस करेंगे। तो पहले आप ध्यान रखो कि सभी रिएक्शंस के एग्जांपल क्या है। अल्फा डीके का एग्जांपल ये हो जाएगा कि जो यूरेनियम है वो अल्फा पार्टिकल को डीके करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, थोरियम में। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, ZXA है, जब अल्फा पार्टिकल एमिट होगा तो एटॉमिक नंबर 2 यूनिट से कम हो जाएगा, एटॉमिक मास 4 यूनिट से कम हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम कहेंगे कि जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो एटॉमिक नंबर 2 यूनिट से कम हो जाएगा, एटॉमिक मास 4 यूनिट से कम हो जाएगा, ये हो गया आपका 2HE4। इसी तरह से बीटा डीके जब होगा तो 6C14। ठीक है, तो बीटा डीके जब होगा इसमें से तो क्या होगा, हमने बताया था कि जो न्यूट्रॉन है वो ब्रेक हो जाता है किसमें, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, और इसके अलावा भी जो पार्टिकल निकलते हैं उनका डिस्कशन अभी हम कर दे रहे हैं। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में जब कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, एक प्रोटॉन जो है वो बढ़ जाएगा, एक प्रोटॉन बढ़ेगा तो एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो जेड था वो जाएगा Z+1। ठीक, और आप क्या कहोगे, एटॉमिक मास क्या रहेगा, एटॉमिक मास कांस्टेंट रहेगा, ए की जो वैल्यू है ये क्या रहेगी, ये कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन यानी कि बीटा पार्टिकल एमिट हो जाएगा। ठीक, एनर्जी तो सब में निकलनी है, सिंपल सी बात है। वैल्यू क्या होगी उसके लिए, वही एक फॉर्मूला है, मास ऑफ प्रोडक्ट और मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। दूसरा एग्जांपल आपका पॉजिट्रॉन एमिशन। पॉजिट्रॉन एमिशन में आपको क्या करना है, 29 कॉपर, ठीक है, 64। ठीक, तो ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पॉजिट्रॉन में। होता क्या है, पॉजिट्रॉन में जो प्रोटॉन है वो ब्रेक हो जाता है आपका किसमें, न्यूट्रॉन प्लस ई प्लस में। ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या, 28 निकेल 64। ठीक है, और क्या निकलेगा, ई प्लस। ठीक, ई प्लस मतलब पॉजिट्रॉन, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कैप्चर और पॉजिट्रॉन एमिशन लगभग आप मान के लो एक तरह से सेम फिनोमेना है, यही पार्टिकल जब इस तरफ चला जाएगा तो माइनस करके हो जाएगा। ठीक है, तो 29 कॉपर क्या करेगा, 29 कॉपर 64 ये अपने नियरेस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा। जब इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलके न्यूट्रॉन बना देंगे, एक प्रोटॉन क्या हो गया, कम हो गया, न्यूट्रॉन एक बढ़ गया। तो जब प्रोटॉन कम हो जाएगा तो एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से कम हो जाएगा, एटॉमिक मास सेम रहेगा। ठीक है, इसमें पार्टिकल ना निकल के इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, गामा रेडिएशन होता है, हाई मतलब हाई एनर्जी फोटॉन्स एमिट होते हैं। ठीक, इसके बाद गामा डीके का एग्जांपल, ठीक है, 38 स्ट्रॉन्शियम 87। ठीक, तो इसमें लोग क्या करते हैं, रिएक्शन में स्टार लगा देते हैं, मतलब जब आप लिखोगे तो आप क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे SR*। इसका मतलब क्या है, ये एक्साइटेड न्यूक्लियस है, एक्साइटेड स्ट्रॉन्शियम बोल सकते हो आप इसको। ठीक है,
और जब ये गामा रेडिएशन या फोटोन जब बाहर निकाल देगा तो ये डीएक्साइट हो जाएगा, तो आप सिंपल कहोगे स्ट्रॉन्शियम हो जाएगा, ठीक है। तो गामा डीके में ना एटॉमिक मास में कोई चेंज आएगा, ना एटॉमिक हम कहेंगे कि नंबर में कोई चेंज आएगा, केवल किसमें डिफरेंस आ जाएगा आपका, केवल आपकी एनर्जी जो है वो डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। मतलब जो न्यूक्लियॉन्स थे वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप कर जाएंगे, ठीक है। दिस इज एंटी पॉजिट्रॉन एक्चुअली में है क्या, पॉजिट्रॉन आपको हम कहेंगे, एक तरह से पॉजिट्रॉन को कहा जाता है एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या एंटी इलेक्ट्रॉन आप बोल सकते हो, ठीक है। एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब, एंटी पार्टिकल का आप ऐसे मान के चलो कि इसका मतलब होता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को क्या करो, कंबाइन करो, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को आप कंबाइन करोगे तो केवल और केवल आपकी एनर्जी मिलेगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा और, ठीक है। एंटी मास सुना है, एंटी मैटर सर सुना है, हाँ एंटी मैटर, एंटी मैटर एंटी मास, मतलब मैटर से मतलब वही है, मैटर का मतलब ही मास होता है, चलो एंटी मैटर, मैटर और मास तो एक ही बात है ना, मास का मतलब ही क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ मैटर। एंटी मैटर सुना है, कहाँ सुना है एंटी मैटर? ब्लैक होल के सर बारे में जब देख रहे तब सुना था। अच्छा एक पिक्चर आई थी डा विंची कोड, सॉरी डा विंची कोड के नाम से थी, किसके नाम से थी, उसी उसी नॉवेल पे बेस्ड थी एक्चुअली, उसमें थोड़ा बहुत इसके मतलब इसी से रिलेटेड कुछ साइंटिफिक उसमें दिखाया गया है, कुछ पिक्चर हालांकि साइंस से रिलेटेड नहीं थी, ठीक है, मतलब लेकिन उसमें जो है एंटी मैटर से ही रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट जो था वो उसी पे बेस्ड था। एंटी पार्टिकल का मतलब केवल ये होता है कि आप क्या करोगे, एंटी पार्टिकल का मतलब होता है कि जो आपको पार्टिकल दिया गया है, ठीक है, उसका एंटी पार्टिकल मतलब अगर आप उसको एंटी पार्टिकल के साथ मिला देते हो तो आप ऐसे मान चलो कि आपको केवल और केवल एनर्जी मिलेगी, ठीक है। एंटी मैटर का मतलब होता है कि अगर आपने इसको मास के साथ कंबाइन किया, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, केवल एनर्जी ही मिलेगी, ठीक। तो एंटी मैटर जो है वो एक तरह से आप मान चलो कि अगर मैटर के साथ मिलता है तो भैया 1 ग्राम का मतलब समझ रहे हो, 1 ग्राम इंटू में सी स्क्वायर, तो 1 ग्राम अगर एंटी मैटर 1 ग्राम मैटर के साथ मिक्स हो गया तो 2 ग्राम इंटू में सी स्क्वायर, ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, ठीक। तो जितने भी आपके एंटी जो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टिकल हैं, तो अगर इनको आप मिक्स करते हो तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो दोनों के मासेस को आप सीधे किसमें कन्वर्ट कर दोगे, एनर्जी में, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो, ये भी आपके एंटी पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक। तो एंटी पार्टिकल का मतलब ये होता है कि जो मास उसका इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही होगा, बस सारी प्रॉपर्टीज इसके अपोजिट होंगी, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होंगी। तो पॉजिट्रॉन क्या है, दिस इज द पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट हैज द सेम मास एज दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बट इट्स चार्ज इज ई प्लस, ठीक है। इन पॉजिट्रॉन एमिशन द पॉजिट्रॉन एमिटेड बाय द न्यूक्लियस इमीडिएटली कंबाइंस विद एन इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम, द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ हीट। टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वी नो दैट द मास ऑफ अ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन द मास ऑफ अ प्रोटॉन, सो हाउ इट इज पॉसिबल टू पॉजिट्रॉन एमिशन फॉर अ प्रोटॉन टू फॉर्म अ न्यूट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन। तो इसका आंसर हमने दे दिया था कि जो न्यूट्रॉन है उसका मास ज्यादा होता है तो वो तो कन्वर्ट हो सकता है आपका किसमें, प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में, लेकिन आप क्या कहोगे, प्रोटॉन का मास तो कम होता है न्यूट्रॉन से, तो ये कैसे कन्वर्ट होगा आपका न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन में, ठीक है। हाउ इज इट पॉसिबल इन पॉजिट्रॉन एमिशन फॉर अ प्रोटॉन टू फॉर्म अ न्यूट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन। तो हमने बताया था आपको क्या, भैया ये ध्यान रखना है कि कंबाइंड स्टेट में प्रोटॉन आसानी से न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन में ब्रेक हो सकता है, ठीक है, फ्री स्टेट में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक। जब आप न्यूक्लियस के अंदर सारा कुछ एनालिसिस करोगे तब तो ये काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर बीटा डिके द एटॉमिक नंबर ऑफ द न्यूक्लियस इंक्रीज, दिस मीन द एटम शुड बिकम एन आयन आफ्टर बीटा डिके, एक्सप्लेन। तो भैया ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, उसको आइसोटोप वगैरह मिल जाते हैं आपको, ठीक। जैसे सोडियम में है ना 2 आइसोटोप होते हैं ना और बाकी सब में आइसोटोप होते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि कोई भी आपका बीटा पार्टिकल निकलेगा तो क्या हो जाएगा, तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। डिटेल्स ऑफ अल्फा डीके,
कंसीडर न्यूक्लियस इन द स्टेट ऑफ रेस्ट टू बी शोइंग अल्फा डीके। तो अल्फा डीके में हमने क्या कहा, प्रोसेस वगैरह आपको ध्यान रखना है और किस तरह से एनर्जी वगैरह हम कंजर्व करेंगे। तो एक पार्टिकल या आपका एक पैरेंट एटम था ए आपने मान लिया, ठीक है। तो हमने मान लिया कि हमें एक पैरेंट एटम दिया हुआ है, ठीक। ये पैरेंट एटम किसमें आपका ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया आपका एक डॉटर न्यूक्लियाई में और अल्फा पार्टिकल में, ठीक है। पैरेंट एटम आपका दिया हुआ था और पैरेंट एटम ब्रेक हुआ, तो अल्फा पार्टिकल जब निकलेगा तो अल्फा पार्टिकल का मास क्या हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल हो जाएगा 2He4 और बचा हुआ जो पैरेंट एटम है उसका मास क्या हो जाएगा आपका, उसका मास हो जाएगा A-4, ठीक। एटॉमिक नंबर हो जाएगा Z-2। तो हम मान ले रहे हैं कि इसका हमें मास दिया हुआ था कैपिटल M, ये हो जाएगा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल और ये हो गया आपका मास ऑफ Y, ठीक है। तो जब क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन आप निकालेंगे तो पहले तो आपको निकालना पड़ेगा मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि जो भी हमारा एक तरह से आपका पैरेंट न्यूक्लियाई था उसका जो भी मास था एम मान लो या ए मान लो, माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल माइनस एम बाय इनटू में सी स्क्वायर, जो गई आपकी क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब यहां पर जो हम कहेंगे कि जब वो पार्टिकल अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो उसका जो डॉटर न्यूक्लियाई है, ठीक है, वो डॉटर न्यूक्लियाई कहां जाएगा, वो डॉटर न्यूक्लियाई जाएगा पीछे, ठीक है। इसकी वेलोसिटी हमें अलग अलग वेलोसिटी माननी पड़ेंगी। तो हमने मान लिया कि हमारा जो अल्फा पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी थी v1 और इसकी वेलोसिटी थी v2, ठीक है। तो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे तो एक इक्वेशन तो आपकी q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन की हो गई, एनर्जी की हो गई, दूसरा इक्वेशन हो गया आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का। तो जब लीनियर मोमेंटम आप कंजर्वेशन लगाएंगे तो होगा क्या, इक्वेशन क्या बन जाएगी, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू v1 माइनस मास ऑफ y पार्टिकल इंटू में, सॉरी, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू v2, इसको v2 करना है, अल्फा पार्टिकल का मास v2, वेलोसिटी v2 मानी है, तो ये हो गया आपका v2 और इसकी स्पीड हो गई आपकी क्या, ये हो गया v2 और ये हो गया v1, ठीक है। तो आप इक्वेशन लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, m अल्फा v2 माइनस m by v1 इक्वल टू 0। तो यहां से v1 v2 का एक रिलेशन आ जाएगा, प्लस आप हमने लास्ट क्लास में बताया भी था कि होता क्या है कि जो Q वैल्यू या जो एनर्जी जनरेट होती है वो मोस्टली आपकी किसमें जाती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। जो भी पार्टिकल्स जनरेटेड हुए हैं उसमें तो उनकी सबकी काइनेटिक एनर्जी में जाएगी, मतलब किसकी किसकी काइनेटिक एनर्जी में, तो Q वैल्यू आपकी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, मतलब Q हो जाएगा आपका KE ऑफ अल्फा प्लस KE ऑफ किसका Y। तो KE अल्फा क्या लिखोगे आप, हाफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू में v2 स्क्वायर प्लस मास ऑफ y इंटू में v1 स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या करोगे, अब आपको ये तो पता ही है कि जो हमारी इक्वेशन में v1 और v2 का क्या रिलेशन था, ठीक है। तो अब जब यहां पर वैल्यू आप पुट करोगे तो क्या करें हम, अगर हमें इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल निकला है तो हम किसकी वैल्यू उठा के डाल दें, v1 की वैल्यू उठा के डाल दें, और अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए लिखना है तो हम v1 की वैल्यू उठा के डाल दें, ठीक है। तो अब जैसे हमने यहां पर पुट कर दिया, क्या हमने v1 की वैल्यू उठा के डाल दी है, मतलब v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, v1 आ जाएगा, एक मिनट, हाँ, तो v1 यहां से क्या आ जाएगा, इस वाली इक्वेशन से v1 आ जाएगा आपका m अल्फा v2 अपॉन में my, ठीक है। अब यहां पुट कर दो उसको इस वाली इक्वेशन में, तो आप क्या लिखोगे, m अल्फा v2 स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस my, v1 की जगह क्या हो जाएगा m अल्फा का स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अपॉन में 2 my स्क्वायर, यही आएगा, एक my से ये स्क्वायर कट जाएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, एम अल्फा v2 हाफ एम अल्फा v2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस एम अल्फा अपॉन एम वाई, समझ में आ गया यहां तक, ये रहा, ठीक है, एम अल्फा v2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस एम अल्फा अपॉन एम वाई। अब यहां पर आप क्या करो, जब इसको एलसीएम वगैरह लेके जब लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये
ये आपका बन जाएगा, ठीक है, इसमें जब आप एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अच्छा, ये किसकी काइनेटिक एनर्जी है आपकी? ये किसकी, ये क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल हो गया, तो के अल्फा, और ये हो जाएगा एम वाई प्लस एम अल्फा अपॉन में एम वाई, ठीक, एम वाई प्लस एम अल्फा। अगर देखा जाए तो एक तरह से मास किसका हो जाएगा, ए हो जाएगा ये, और एम वाई क्या होगा, ए माइनस फोर, ठीक है भाई। मास क्या है, एम वाई कितना आया था, एम वाई आया था ए माइनस फोर, और एम अल्फा क्या है, एम अल्फा है फोर, ए एम यू की मैं बोल रहे हैं, तो एम वाई प्लस एम अल्फा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एम वाई क्या हो जाएगा, ए माइनस फोर। तो क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू इज इक्वल टू के अल्फा टाइम्स ए अपॉन ए माइनस फोर। तो अगर आपको क्यू वैल्यू पता है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल आप क्या लिखोगे, ए माइनस फोर अपॉन ए इंटू में क्यू। ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, ठीक है, इस फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चन आईआईटी में सब्जेक्ट पे पहले आ चुका है और अभी भी आते रहते हैं सवाल, ठीक है। इसमें अगर आप चाहो तो ये फॉर्मूला जो है आप याद रख सकते हो कि काइनेटिक, अगर आपको ए दिया है, ठीक है, मतलब एटॉमिक मास दिया है पार्टिकल का, आप क्यू वैल्यू आप रिएक्शन निकाल लोगे तो आप एमिटेड अल्फा पार्टिकल की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। चलो एक इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, बता फिर से अगर बताना हो तो हम एक बार फिर से, न्यूक्लियस एक्स इनिशियली एट रेस्ट अंडरगोज अल्फा डीके अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 92x a plus zy 228 plus अल्फा, z हो जाएगा 90 और a हो जाएगा 232। तो पहले वाले में तो हम क्या कहेंगे, सीधे सीधे अल्फा डीके जब होगा तो क्या हो जाएगा, जो आपका 92 ये जेड हो जाएगा तो अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो दो यूनिट कम हो जाएगा तो हो जाएगा 90, और इसमें चार यूनिट ऐड कर दोगे तो आपको ए मिल जाएगा, तो कितना मिल जाएगा 232। चलो सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, द अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस इन द अबव प्रोसेस फाउंड टू मूव ऑन अ सर्कुलर रेडियस ऑफ 0.11 मीटर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3 टेस्ला, फाइंड द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द पैरेंट न्यूक्लियस एक्स, ठीक है। तो एक्चुअली में ऐसे मान चलो कि आपको Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन निकालना है, ठीक है, आपको क्या क्या दिया हुआ है, देखो मास ऑफ Y दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये दे रखा है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल दे रखा है, और मास ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है। उसने कहा कि जो अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ था वो किसमें चला गया था, एक सर्कुलर ट्रैक में चला गया था जिसकी रेडियस थी 0.11 मीटर। फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में रेडियस का आर इज इक्वल टू एम बी अपॉन QB होता है, एम पता है आपको, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, स्पीड नहीं पता है आपको, ठीक है। तो अब चाहे तो सीधे सीधे क्या कर लो, काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, यहां से स्पीड निकाल के आप क्या कर लो, हाफ एम बी स्क्वायर करके काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल निकाल लो, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ से v की वैल्यू सीधे निकाल लो, कि v क्या हो जाएगा, क्यू बी आर अपॉन में m, और जब यहाँ पुट करोगे तो हाफ एम वी स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर और कितना, आर स्क्वायर अपॉन में m, यही आ जाएगा m। अब मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल आपको पता होता है, ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड दे ही रखी है, आर दे रखा है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल पता है, तो इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी के अल्फा की, ठीक है। अब जब के अल्फा आ जाएगा तो क्यू वैल्यू या हीट जनरेट बाइंडिंग एनर्जी में जो हम कहेंगे कि जो एनर्जी रिलीज हो जाएगी ड्यूरिंग द प्रोसेस वो क्या आ जाएगा आपका, के अल्फा का फॉर्मूला भी डिराइव किया था ना हमने, क्या आया था के अल्फा आपका, के अल्फा आया था आपका Q इंटू में ए माइनस फोर अपॉन ए, यही आया था, के अल्फा आपने निकाल लिया तो Q क्या आ जाएगा, ए टाइम्स के अल्फा अपॉन में ए माइनस फोर, ठीक। ए कितना है हमारा, ए हमारा 232 और ये हमारा 228, तो से आपकी Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन निकल आएगी। और अगर आप बाइंडिंग एनर्जी निकालना चाहो तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, एक्चुअली में इसमें शायद क्वेश्चन ये इनकम्प्लीट है, इसमें दोनों तरीके से क्यू वैल्यू रिएक्शन निकलवाई गई थी, मतलब सीधे भी आप कैसे निकालोगे भाई, इसमें जब इक्वेशन में क्या होगा, यूरेनियम और इनके मासेस को क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यूरेनियम का मास क्या हो जाएगा,
इसका मास प्लस 4 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन्स और माइनस में, ठीक है। तो कोई निकालो जरा वैल्यू, निकाल पाओ, निकाल लोगे या निकलवा दें, हो जाएगा क्वेश्चन अब ये? यस सर, हो जाएगा। चलो इसके बाद आते हैं डिटेल्स ऑफ बीटा डीके, ठीक है। तो क्या है बीटा डीके? तो बात वही है, हमने क्या कहा, कुल मिला के सभी सारे जितने भी आपके डीके ना, प्रोसेस सब में सेम फॉलो होगा। आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है और फिर उसके बाद एनर्जी रिलीज निकाल लेनी है, ठीक है। द मेन प्रॉब्लम इन एक्सप्लेनिंग द बीटा डीके वर एज फॉलोइंग। थ्री कॉन्जिक्यूटिव प्रिंसिपल, दोज ऑफ एनर्जी, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम आर ऑल अपेरेंटली वायलेटेड ड्यूरिंग द बीटा डीके। एक्चुअली में इसमें बीटा डीके में होता क्या है, जो हमने बताया था, क्या होगा आपका, प्रोटॉन कन्वर्ट होगा, न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा किसमें, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। आपका जो न्यूट्रॉन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अब यहां पर एक्चुअली में होता क्या था कि जैसे हमने कहा एनर्जी लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, तो जैसे यहां पर एक दिक्कत हो रही थी, क्या स्पिन बैलेंस नहीं हो पा रहा था। जितनी भी आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन है ना, उसमें आपका स्पिन बैलेंस होना भी बहुत जरूरी है। तो जैसे आपकी इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग होती ना, वैसे इनकी भी स्पिनिंग होती। तो जैसे इसमें आप क्या कहोगे, प्लस हाफ इसकी स्पिनिंग हो गई, ठीक है, इसकी आपने प्लस हाफ मान ली, इलेक्ट्रॉन की माइनस हाफ मान ली। तो अब दिक्कत क्या हो गई यहाँ पर, इसकी हो गई प्लस हाफ, इसकी हो गई प्लस हाफ, इसकी हो गई माइनस हाफ। तो दिक्कत क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ दोनों का जीरो हो गया, जबकि राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में अभी प्लस हाफ बच गया है। तो एक्चुअली में इसका जो स्टेटमेंट लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि केवल न्यूट्रॉन, ये जो रिएक्शन आपने लिख दी ना, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, इससे आप स्पिन बैलेंस नहीं कर पाओगे, ठीक है। इससे आप एनर्जी बैलेंस भी नहीं कर पाओगे, इससे आप लीनियर मोमेंटम बैलेंस भी नहीं कर पाओगे, इससे आप एंगुलर मोमेंटम बैलेंस भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर हुआ एक्चुअली में इसका लिखने का मतलब ये था कि यहाँ पर और भी एक पार्टिकल निकलता है जिसे कहा जाता है एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। तो थ्री कंजर्वेशन प्रिंसिपल, दोज ऑफ एनर्जी, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम आर ऑल अपेरेंटली वायलेटेड ड्यूरिंग बीटा डीके। When we plot the spectrum of the energy of the emitted beta particle, we do not find any single particle having maximum expected energy. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है, ये किसके बीच में बनाया गया, रिलेटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी, ठीक है। एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बीटा डीके ऑफ, ये बिस्मत के लिए जो ग्राफ बना हुआ है, किसके लिए बना हुआ है, बिस्मत के लिए बना हुआ है। ऑल दीज पॉइंट्स इंडिकेटेड दैट एन एक्स्ट्रा पार्टिकल मस्ट हैव बीन एमिटेड एट द टाइम ऑफ बीटा डीके। मतलब ये सारा जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ये केवल और केवल एंटी न्यूट्रिनो को एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया है। एक्चुअली में एंटी न्यूट्रिनो में दिक्कत क्या थी, तो पहले तो आप रिएक्शन जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, प्लस एनर्जी, ठीक है, न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, एंटी न्यूट्रिनो एक्चुअली में एक क्या होता है, केवल एनर्जी पार्टिकल है एक तरह से। तो इसमें ना तो हम कहेंगे कोई चार्ज होता नहीं है, ठीक है, नो चार्ज। चार्ज ना होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के द्वारा डिटेक्ट नहीं होता। प्लस हाई एनर्जी पार्टिकल होने की वजह से और मासलेस पार्टिकल होने की वजह से ये जो पार्टिकल है ना, ये किसी भी दूसरे पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट भी नहीं करता। तो इस पार्टिकल को ऐसे मान चलो कि ये रिएक्शन या बीटा डीके की डिस्कवरी होने के बाद भी, एंटी न्यूट्रिनो की डिस्कवरी और इसके बारे में एक तरह से हम कहेंगे कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए और इसकी एनालिसिस में काफी टाइम लग गया था, इस पार्टिकल को आइडेंटिफाई करने में काफी टाइम लग गया था। क्यों? क्योंकि एंटी न्यूट्रिनो इस पार्टिकल हैविंग वेरी लिटिल मास एंड चार्ज, ठीक है। तो इसका मास बहुत कम हो, चार्ज भी, मतलब ऐसे मान लो लगभग जीरो था, और ये किसी के साथ इंटरेक्ट भी नहीं कर रहा था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर साइंटिस्ट टू डिस्कवर दिस पार्टिकल बिकॉज इट कैन पास विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन थ्रू 100 लाइट ईयर्स ऑफ सॉलिड आयरन, ठीक है। तो ये 100 लाइट ईयर थिक सॉलिड आयरन से बिना इंटरेक्ट किए पास हो जाता है। तो ये पार्टिकल एमिट होता था तो पता ही नहीं चलता था कि ऐसा कोई पार्टिकल निकला होगा, ठीक है। लेकिन हमने क्या कहा, जब ये सारी चीज, जब सारी रिएक्शन में एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम और एनर्जी बैलेंस, ये सब चीजें जब आई, तो उसके बाद ये अज्यूम किया गया कि हमारा एक क्या होगा, एक हमारा और भी पार्टिकल निकलेगा जिसे हम कहेंगे एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है।
इट वॉज सपोज दैट दिस पार्टिकल बाय फर्मी द न्यूटिनो कैरीज एन एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द के मैक्स एंड द एक्चुअल इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी। तो एक्चुअली में वही था ना कि जो भी एनर्जी का डिफरेंस आ रहा था वो इसी पार्टिकल के द्वारा फिर कंसीडर कर लिया गया। ठीक, बाकी आपको रिएक्शन वगैरह लिखना है तो सब वही हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या कहोगे, एम एक्स माइनस एम वाई माइनस एम ई जेड एम ई या जो भी लिखना है इन टू में सी स्क्वायर।